तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री क्रिसमस से पहले गुरुवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। दो चार दिनों के बाद दोनों पटना लौटेंगे। तेजस्वी राजश्री के हनीमून ट्रिप को लेकर भी चर्चाएं तेज है। हालांकि तेजस्वी का पासपोर्ट उनके हनीमून प्लान के बीच में आड़े आ रहा है। तेजस्वी का पासपोर्ट फिलहाल उनके पास नहीं है, जिसके कारण वो भारत से बाहर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में कोर्ट में जमा कराया गया था। चर्चा यह भी है कि तेजस्वी अभी दिल्ली में है और इस दौरान वो अपने पासपोर्ट को वापस लेने की प्रक्रिया में भी जुटेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका पासपोर्ट उन्हें वापस मिल सके। बता दें कि रेलवे टेंडर घोटाले में तेजस्वी का पासपोर्ट जमा कराया गया था। वर्ष 2018 से तेजस्वी का पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में जमा है। शादी से पहले हनीमून के लिए विदेश यात्रा में अभी सबसे बड़ी बाधा तेजस्वी के लिए उनका पासपोर्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए आवेदन भी दिया है। इसका आधार भी उन्होंने हनीमून ट्रिप को ही बनाया है। अदालत में अनुमति मिलने के बाद नवनदप्पी विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। वहीं बता दें कि बताया जा रहा है कि ईडी की अदालत में तेजस्वी की अर्जी को सूचीबद्ध कर लिया गया है और बड़े दिनों की छुट्टी के बाद तेजस्वी को उनका पासपोर्ट वापस मिल सकता है। वहीं खरमास खत्म होने के बाद लालू रावड़ी बहु भोज का भी आयोजन कर सकते हैं। तेजस्वी और उनकी पत्नी राजश्री अभी दिल्ली में हैं। राजश्री का मायका दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में है। राजद के सूत्रों के माने तो तेजस्वी की पत्नी सलेस उर्फ राजश्री के माता पिता ईसाई धर्म से जुड़े हैं, इसलिए क्रिसमस के लिए तेजस्वी की पत्नी दिल्ली गई हुई हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।